अगर आप लोग दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि दैनिक भास्कर की तरफ से एक प्रतियोगिता चलाई जा रही है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आंसर देने होते हैं आपको, और हो सकता है कि आप भी कुछ इनाम पा सकें। और इस प्रतियोगिता में आप किस तरह से शामिल होंगे, तो आपके अपने मोबाइल नंबर से इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा, 9190000072। इस पर जैसे ही आप लोग कॉल करेंगे कॉल कट हो जाएगा। उसके बाद आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें आपके सामने एक लिंक दी गई होगी, उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आप लोग पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको सामान्य एक जानकारी देनी होगी, अपना नाम हो गया, जीमेल हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एक तरह से कितनी एज है, और अपना शहर, इस तरह की सामान्य जानकारी, बिल्कुल साधारण जानकारी रहेगी। और ये सुबह 6 बजे एक्टिवेट हो जाती है और शाम 3 बजे तक चालू रहती है। और इसके बाद जो भी विजेता रहता है उसके आने वाले दिन में मालूम चल जाता है कि कौन विजेता रहा है। तो आज के सवालों के आंसर बता देता हूँ आपको। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1988 में हुई थी। कब? 1988 में। दूसरा क्वेश्चन है कि 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये थे स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन से आज का, दादरा एवं नगर हवेली पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुए, ये 1954 में। तो याद रखिए, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है 1988, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, और दादर नगर हवेली पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुई, 1954 में। तो आज के जो क्वेश्चन है आपके, इनके आंसर यही 3 है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल फिर से मिलेंगे।